अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। प्रवासी ड्राइवरों के मुलुक जाने से जेएनपीटी में अटकी गाड़ियां, नहीं मिल रहे ट्रक चालक, ट्रांसपोर्टर और एक्सपोर्टर परेशान। लंबे लॉकडाउन और कोरोना से बचने मुलुक जा चुके ट्रक चालकों की कमी का असर अब उरन के जेएनपीटी पोर्ट पर दिखने लगा है। यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट गतिविधियां तो चल रही हैं, लेकिन जिन ट्रकों में माल आना जाना है उन्हें चलाने वाले ड्राइवर नदारद हैं। इससे शिपिंग कंपनियों और क्लियरिंग एजेंट्स के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। डायमंड शिपिंग कंपनी के संचालक हेमंत सिंह के अनुसार ट्रक और कंटेनर चालकों के अभाव में सैकड़ों गाड़ियां न तो पोर्ट से बाहर जा रही हैं, न ही वहां कंटेनर पहुंच पा रहे हैं। जो चालक उपलब्ध हैं वे मुंहमांगी मजदूरी मांग रहे हैं, जो नई टेंशन है। जेएनपीटी का माहौल ऐसा है कि जो इंपोर्ट के वेसल आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, सभी सीएफएस में कंटेनर डंप हो रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से क्लियर होकर लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि जैसे कि ड्राइवर बहुत ज्यादा थे वो पलायन कर गए हैं। जिसके पास 20 गाड़ी है उसके 15 गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर ही नहीं है तो काम नहीं हो रहा है। और जिस गोडाउन पे हमें माल भेजना है वहां भी लेबर नहीं है, जिसके पास 100 लेबर थे उसके पास 5 या 10 लेबर बचे हुए हैं। तो लेबर और ड्राइवर की इतनी समस्या हो चुकी है कि जेएनपीटी पोर्ट पे काम बहुत कम हो रहा है, वही नहीं रहा, एक तरह से मान के चलिए कि 5% काम ही हो रहा है। गौरतलब है कि नावा सेवा पोर्ट जेएनपीटी से हर दिन 10,000 से अधिक ट्रक एवं कंटेनर चलाए जाते हैं। इन ट्रकों से ही इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट के माल भेजे और लाए जाते हैं। इन ट्रकों पर 30,000 से अधिक लोग बतौर ड्राइवर या सहायक काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण इनमें से 60% से अधिक लोग मुलुक जा चुके हैं। ऐसे में 8 जून से ओपन हो रहे लॉकडाउन में इन ड्राइवरों और खलासियों की कमी कारोबार के लिए नई मुसीबत बढ़ा रही है। सारे सीएफएस में कंटेनर आके पड़े हुए हैं, इंपोर्ट कंटेनर हैं, एक्सपोर्ट के बहुत सारे कार्गो रेडी हैं, लेकिन लेबर और नहीं होने की वजह से क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। हम लोग क्लियरिंग तो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लेबर नहीं होने से दो दो दिन तीन तीन दिन तक गाड़ियां खड़ी रहती है। अगर एक दो कोई गाड़ी कार्गो लेके आ रही है ना, वो काफी टाइम तक खड़ा होने से वो ड्राइवर भी दोबारा भर के आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो इस तरह से समस्या काफी क्रिटिकल होती चली जा रही है। तो अब देखिए अब इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि विदाउट लेबर के तो वर्क करना बहुत मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।